नमस्कार, मेरा नाम है गगन और आज का टॉपिक है बबल सॉर्ट। इसकी एवरेज और वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओ ऑफ एन स्क्वायर। सो बबल सॉर्ट में क्या करते हैं, हमारे पास एक गिवन एरे है, सपोज दीज आर द एलिमेंट्स। तो बबल सॉर्ट जो है वो अपने साथ वाले एलिमेंट के साथ कंपैरिजन में वैल्यूज को स्वैप करता है। सो अगर आप देखें, ये हमारे पास गिवन एरे है। सो चलो इसको लेफ्ट से शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे 3 और -1, ये 3 है और -1 में से छोटा कौन सा है। तो क्लियरली -1 छोटा है, तो -1 पहले आया और उसके बाद 3 आया। अब ये स्टेप करने के बाद हम देखेंगे कि अभी सिनेरियो क्या है। अभी देखा जाए तो 3 के पास 6 है, लेकिन अगेन इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा क्योंकि जो हमारा ये वाला एलिमेंट है लेफ्ट वाला, वो राइट से छोटा ही है, तो हम चेंज नहीं करेंगे। और उसके बाद एलिमेंट जो अगला है वो है 9। 9 है और 9 और 6, फिर मतलब कि जो 6 है वो 9 से छोटा है, हम चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद अगला एलिमेंट आता है 4। जब हम यहाँ पे पहुंचे 4 पे, तो 4 क्लियरली छोटा है, तो हम 4 और 9 को स्वैप कर लेंगे। 4 और 9 को हमने स्वैप किया। उसके बाद अगला एलिमेंट था 2, तो 2 क्लियरली छोटा है, तो हमने 2 और 9 को स्वैप कर लिया। तो अगेन 5 छोटा है, तो हमने 5 और 9 को स्वैप कर लिया। अगर आप देखें तो अगेन जो 4 है वो 9 से छोटा है, तो हमने 4 और 9 को स्वैप कर लिया। तो एक इटरेशन के बाद हमारा जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो राइट पे पहुंच चुका है, ठीक है। तो सिमिलरली अब हम सेकेंड इटरेशन पे जाएंगे, तो फिर हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, -1 और 3 और 6, कोई चेंज नहीं। लेकिन जब हम 4 पे पहुंचे, तो 4 है जो वो 6 से, 4 जो अपना 4 एलिमेंट है वो 6 से बड़ा है, तो यहाँ पे हम 4 को लेके आएंगे और यहाँ पे 6 को लेके आएंगे। सिमिलरली आगे गए तो 2 आया, तो 2 पे फिर हमें स्वैप करना है। फिर 5 आया और 5 पे फिर हमें स्वैप करना है। फिर 4 आया, 4 पे फिर हमें स्वैप करना है। और उसके बाद हमारा जो चेक था वो 9 के साथ था, और पर 9 पे पहुंचने के बाद हमें स्वैप नहीं करना है। सो सेकेंड इटरेशन के बाद अगर आप देखोगे, हमारे जो लास्ट 2 एलिमेंट्स हैं वो सॉर्टेड हो चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमें इसका मतलब जब हमने पहला इटरेशन किया तो हमारा एक एलिमेंट अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंच गया जहां पे उसको पहुंचना चाहिए। सेकेंड इटरेशन में दूसरा एलिमेंट पहुंच गया। जब हम इसको करते करते जाएंगे, हमें यहां तक ही जाना है, क्योंकि अगर ये वाला हिस्सा सॉर्टेड हो जाए, तो पहला तो और ऑटोमेटिकली सॉर्टेड हो गया ना, क्योंकि अगर बाकी एलिमेंट अपनी अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे है, तो फर्स्ट एलिमेंट भी अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे होगा। तो यानी कि अगर हम चलते चलते जाएं, तो नेक्स्ट सिनेरियो में ये आ जाएगा -1, 3, 2, 4, 5, 6, 9। सो जो नेक्स्ट होगा ये वैल्यूज आ जाएंगी। और अगर हम इसको n-1 तक जाएंगे, तो हमारा जो फाइनल जो एरे बन जाएगा वो ये बन जाएगा। सो बेसिकली ये एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो कि हम साथ वाले एलिमेंट को यूज करके ही करते हैं। चलो अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं। सो सपोज वेर एरे का हमने नाम दे दिया सिंप्लिसिटी के लिए, हम इसी एरे को ले लेते हैं। और ठीक है, और एक बार हम इसको प्रिंट करा लेते हैं बिफोर सॉर्टिंग प्रिंट ए, इसको हम प्रिंट कराएंगे।
और चलो जो हमारी जो फर्स्ट लूप है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमें पूरे एन एलिमेंट पे नहीं जाना है, अगर हमारे एन माइनस वन सॉर्ट हो चुके हैं तो हमारा ओवरऑल पूरा एरे सॉर्ट हो जाएगा। तो हमारी जो फर्स्ट लूप होगी वो होगी फोर आई इन जीरो लेस देन लेट्स एन इज इक्वल टू ए डॉट काउंट। ओके, सो एन माइनस वन, सो दिस, ये हमारी जो ऊपर की लूप है वो ये हो जाएगी। और उसके बाद हमारी दूसरी लूप होगी जो कंपैरिजन के लिए चलेगी, वो होगी जे इन जीरो लेस देन एन माइनस वन। अभी हमने स्वैप तभी करना है जब हमारा राइट एलिमेंट लेफ्ट से छोटा होगा, ठीक है? तो कंडीशन हमारी लगेगी ए ऑफ जे इफ ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस वन, उस केस में हमें स्वैप करना है। तो स्वैप के लिए हमें एक टेम्परेरी वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक है? तो ये हमारा स्वैप हो जाएगा। और अब हम इसको आफ्टर सॉर्टिंग एरे को प्रिंट कराते हैं। तो ये देखिए हमारा एरे सॉर्ट हो चुका है। अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट इटरेशन के बाद लास्ट एलिमेंट सॉर्टेड हो चुका है, सेकंड इटरेशन के बाद लास्ट टू एलिमेंट सॉर्टेड हो चुके हैं, थर्ड इटरेशन के बाद लास्ट थ्री एलिमेंट सॉर्टेड हो चुके हैं। तो हर एक इटरेशन के बाद हमें उन एलिमेंट तक जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पहले ही सॉर्टेड है। तो हमें, अगर हम यहाँ पे एन माइनस आई, एन माइनस वन माइनस आई कर दें, तो हम कुछ केसेस में जल्दी हम क्योंकि वो एक्स्ट्रा है, हमें वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, तो हम जल्दी उससे निपट सकते हैं। अब एक और चीज, अगर हमने, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा एरे सोर्टेड हो चुका है और ऑलरेडी सोर्टेड है, तो उस केस में हम कैसे ट्रैक करेंगे? लेट्स टेक अ काउंट वेरिएबल हेयर इन दी फॉर लूप, और अगर ये कंडीशन के अंदर जाता है तो जस्ट सिंपली काउंट प्लस वन, और यहाँ पे हम फॉर लूप के बाहर एक चेक लगाएंगे, इफ काउंट इज इक्वल टू जीरो। अगर काउंट इज इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी स्वैप नहीं हुआ। अगर कोई भी स्वैप पर्टिकुलर इटरेशन में नहीं हुआ तो इसका मतलब हमारा एरे सॉर्टेड हो चुका है। तो इस सिनेरियो में हम यहाँ पे जस्ट लूप को ब्रेक करेंगे, और आप देखोगे कि अभी जो मेन लूप थी वो 8 बार चली थी, अब हमने ये कंडीशन लगा दिया है तो हमारी जो मेन लूप है अभी वो सिर्फ 5 बार चल रही है, क्योंकि हमारा पांचवी लूप के बाद ही, पांचवी इटरेशन के बाद ही हमारा एरे सॉर्टेड हो गया, तो हमने आगे का जो टाइम था वो बचा लिया। अब एक वन मोर थिंग, यहाँ पे जब हम ये टेम्प वेरिएबल लेते हैं, इट्स ऑलवेज कंफ्यूजिंग। एरे का एक इनबिल्ट फंक्शन है, अगर आप ए को डॉट स्वैप नाम का फंक्शन है, तो यहाँ पे आपको जस्ट जे जे प्लस वन, यहाँ पे आपको इंडेक्सेस देने हैं जिस इंडेक्सेस से आपको स्वैप करना है, तो ये आपको टेम्परेरी वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। और ये जो लाइन है, जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम है, कॉन्स्टेंट है, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू यूज दैट फंक्शन, और आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये था हमारा इम्प्लीमेंटेशन बबल सॉर्ट का। ये बहुत ही सिंपल है, दो लूप है इसमें, और बेसिकली हमें एडजेसेंट एलिमेंट को, जैसे अगर जे है तो उसको जे प्लस वन से कंपैरिजन करना है, अगर वो बड़ा है तो हमें स्वैप करना है, बस।